हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हमें देखना है कि विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं और बुद्धि परीक्षणों की कुछ उपयोगिता के बारे में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। दोस्तों, संवेगात्मक विकास समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है, संवेग का क्या अर्थ है। अगर हम संवेग के बारे में जानते हैं तो हम भली भांति संवेगात्मक विकास को समझ पाएंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि संवेग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपने डेली के लाइफ में, बाकी मतलब जो मनुष्य हैं वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या करता है, सुख दुख, प्रेम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। ये अनुभव क्यों करता है, किस कारण करता है? तो इसके पीछे एक उत्तेजना होती है, किसी उत्तेजनावश इस प्रकार का अनुभव करता है। जो उत्तेजना की अवस्था पाई जाती है उसे ही संवेग कहा जाता है। ओके, क्या हुआ, मतलब मनुष्य क्या करता है अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में, दुख का, क्रोध का, भय, प्रेम, मतलब कभी उसे किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेम आने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उसके पीछे एक उत्तेजना होती है और उत्तेजना की वही जो अवस्था पाई जाती है उसे ही संवेग कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया संवेग क्या होता है? ठीक, अब हम देखेंगे कि संवेग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संवेग शब्द जो है अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। क्या है वो? इमोशन का हिंदी रूपांतरण संवेग है। अब ये जो इमोशन शब्द है अंग्रेजी का, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? इमोवेयर शब्द से। इसकी स्पेलिंग आप लोग नोट कर लीजिए, ई एम ओ VERE। क्या है स्पेलिंग? EMOVERE, इमोवेयर। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ। ये सारे मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते चलिए। क्या बताएं, मतलब जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो इमोवेयर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन भी, कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इसका आंसर आएगा इमोवेयर शब्द से। ठीक, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इमोवेयर किस भाषा का शब्द है। भाषा पे आ जाएगा कि इमोवेयर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो इमोवेयर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित होना। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और उसके साथ में आंसर भी नोट कर लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दिया नहीं है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। इस प्रकार क्या होता है, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा, मतलब संवेग को हम क्या बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति की क्या है, एक उत्तेजित दशा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कोई मतलब सिचुएशन अपने सामने आ गई, समझ जाओ हम खड़े हैं और अचानक से हमारे सामने कोई सांप आ गया, ठीक, तो उस समय क्या होगा, हम भयभीत हो जाएंगे और भय के कारण हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगेंगे। लेकिन उस टाइम क्या होता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, मतलब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, एकदम भयभीत हो जाते हैं उस टाइम हम। ठीक है, हम भय की वस्तु से दूर भागना चाहते हैं, मतलब वो सांप है उससे हम दूर भागना चाहते हैं। ठीक, हमारे सारे शरीर में क्या हो जाता है उस टाइम, पसीने आने लगते, एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं हम, कांपने लगते हैं हमारे हाथ पैर, और हमारा हृदय जोर जोर से क्या होता है, धड़कने लगता है। ये क्या होता है, मतलब धड़कने लगा, पसीना आने लगा, यही क्या, एक उत्तेजित दशा है। हमारी इस प्रकार की जो उत्तेजित दशा है इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है,
समझ में आया आप लोगों को? क्या कहते हैं, मतलब उदाहरण के तौर पे क्या है, सांप आ गया हमारे सामने एकदम से, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब स्वाभाविक है कि हम एकदम से डर जाएंगे। उस टाइम हमारी दिल की धड़कने एकदम तेज़ हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाएंगे, हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं। यही जो क्रिया हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, यही क्या है, उत्तेजना है। और इसी उत्तेजना को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इस दशा से क्या होता है, हमारा जो बाह्य और आंतरिक व्यवहार होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। अगर मुख्य संवेग के बारे में आपको बता दूँ तो मुख्य प्रकार के संवेग हैं सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति। इस प्रकार से क्या सारे हैं, मुख्य प्रकार के संवेग हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को संवेग का अर्थ समझ में आ गया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन बताई वो आपने नोट कर लिए होंगे और उन्हें अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है। तो संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं, जो संवेगात्मक विकास है वो मानव जीवन व उन्नति के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब अगर मनुष्य के अंदर संवेग नहीं है, ठीक है, तो उसका विकास होना स्वाभाविक नहीं है, वो किस प्रकार से विकास करेगा। क्या होता है, अगर मनुष्य के जीवन को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, संवेग होना जरूरी ही है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे क्या, संवेगात्मक विकास कहते हैं। जो क्या बोल रहा है, भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन, मतलब सही प्रकाशन का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट में करना चाहिए इस चीज़ को, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने कितने अमाउंट में दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब वो सीख लेता है मनुष्य तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास हो चुका है अच्छे से। अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। ओके, विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। जो विशिष्ट संवेग होते हैं वो मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, मतलब उसकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके जो संवेगात्मक विकास होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। शिशुओं के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास से एक पॉइंट है वो आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें ये बोल सकते हैं ना, जो संवेगात्मक विकास है शैशवावस्था में, इसमें जो मनोवैज्ञानिक है उनमें मतभेद है। कोई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बाल शिशुओं में संवेग नहीं पाए जाते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिशुओं में संवेग पाए जाते हैं लेकिन वो विकसित नहीं होते हैं। तो इसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक है वाटसन, जिन्होंने बताया है, उन्होंने अध्ययन करके बताया है कि शिशुओं में तीन प्रकार के, मतलब बेसिक तीन प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, वो है क्रोध, भय और प्रेम। तीन संवेग के बारे में वाटसन ने बताया है कि शिशुओं के अंदर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वाटसन ने कौन से तीन संवेग शिशुओं में बताए हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्रोध, भय, प्रेम, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि शिशुओं में कितने संवेग पाए जाते हैं, तीन संवेग पाए जाते हैं, ठीक। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशुओं में तीन संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो वाटसन ने बताया है। मतलब क्वेश्चन का एंगल चेंज करेगा लेकिन आंसर वही रहेगा, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे हम देखते क्या दिया है। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है,
संख्या क्रम दिया है, आयु मतलब जो एज है वो महीने में दिया गया है, और संवेग के प्रकार दिए गए हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उसमें उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? उत्तेजना। ओके, जब वो बच्चा एक महीने का हो जाता है तो उसके अंदर पीड़ा और आनंद पाया जाता है। जब 3 महीने का हो जाता है बच्चा तब क्रोध पाया जाता है। क्रोध मतलब हम देख सकते हैं क्रोध किस प्रकार से वो अपना शो करता है। तो हम जब देखते हैं कि बच्चा जब कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा है और उसका हम विरोध करते हैं तो बच्चा क्रोध दिखाता है अपना, रोकर, ठीक है, रोकर क्रोध दिखाता है। जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तब उसके अंदर परेशानी संवेग आ जाता है। 5 माह का जब बच्चा होता है, ठीक, तो उसमें क्या आता है भय, मतलब उसके अंदर डर पैदा होने लगती है। अक्सर हम देखते हैं अपने घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके पास अगर हम जोर से चिल्लाएं एकदम तो वो डर जाते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अपनी सांस जो है वो रोक लेते हैं डर के कारण, इस प्रकार से हो जाता है उनका। जब बच्चा 10 माह का होता है तब उसमें प्रेम, जो प्रेम है उस टाइप का इमोशन आ जाता है, मतलब वो अपने माता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेमी हो जाता है, ठीक है। जब 15 माह का बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, मतलब उसका खिलौना कोई लेना नहीं चाहिए। ईर्ष्या शो होता है बच्चों में, जैसे देखिए जब 2 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और किसी बच्चे का एक दूसरे बच्चे ने खिलौना ले लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, ईर्ष्या करता है कि वो मेरा खिलौना क्यों ले लिया। वो अपना खिलौना छीनता है कि नहीं ये मेरा है, मैं ही खेलूँगा इससे, ठीक है। फिर जब वो 24 माह का हो जाता है, महीने का, तब उसमें क्या होती है, खुशी और प्रसन्नता का संवेग डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से क्या देखें हम इस ऐसा अवस्था में बालकों में किस प्रकार से संवेग पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि ऐसा अवस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि 3 ही संवेग का विकास होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पहले आपको बताई क्या है, भय, क्रोध और प्रेम आदि 3 ही संवेग पाए जाते हैं। यहाँ ये मतलब मेंशन नहीं किया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है 3 संवेग के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ कि वाटसन ने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। देखिए बच्चा जो होता है ना, उससे अगर कोई चीज़ हम छीन लेते हैं तो वो रोने लगता है, ठीक है, लेकिन तुरंत अगर हम उसको वापस दे दें तो तुरंत फिर हंसने भी लगता है। मतलब वो अपना चेंज करता है, संवेग जो उसके होते हैं वो तुरंत तुरंत चेंज करता है अपने संवेगों को, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रोता भी है, हंसता भी है। हम बहुत अक्सर देखते हैं छोटे बच्चों में कि रोते भी है और हंसते भी है। अगर सामने वाला व्यक्ति जो है बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा है तो हंसता भी है और किसी चीज़ के लिए वो प्लस रोता भी है, तो दोनों साथ साथ में होती है चीज़ें। ओके, आगे हम देखेंगे क्या है, शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, जब शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण कब होगा शैशवावस्था का, शैशवावस्था का काल कब से कब, जन्म से 5 वर्ष तक है। तो जब वो 6ठे वर्ष में जाएगा बच्चा, उस टाइम को क्या बोलेंगे, अंतिम चरण में। तो उस टाइम क्या होगा, वातावरण का जो होता है वो संवेगात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। बच्चा का जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार से उसके क्या होंगे, संवेगात्मक विकास होंगे, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शैशवावस्था में किस प्रकार से बालकों में संवेगात्मक विकास होते हैं। जब वो एक महीने जन्म के समय क्या होता है, 1 महीने का होता है तो क्या होता है, 3 महीने का, 4 महीने का, मतलब हर महीने में उनमें कुछ ना कुछ डेवलप होते रहता है इमोशंस। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो शिशुओं में 3 ही प्रकार का संवेग पाया जाता है, भय, क्रोध और प्रेम। अब हम बाल्यावस्था में देखेंगे, इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो शैशवावस्था में क्या 3 संवेग हमने देखे, तो शैशवावस्था में जो संवेग पाए जाते हैं उसी संवेग में क्या आता है, मतलब वो विकसित रूप पाया जाता है बाल्यावस्था में। वही संवेग बाल्यावस्था में विकसित रूप में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि स्थायित्व आने लगता है।
बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। बालक क्या करता है, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। मतलब मुझे अपना क्रोध कहाँ कितना दिखाना है, प्रेम कितना दिखाना है किसी के प्रति, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब समायोजन करने लगता है वो समाज में अपने संवेग को लेकर। ठीक है, फिर हम देखेंगे वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम ईर्ष्या घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। प्रेम ईर्ष्या घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना क्या करता है, वो प्रकट करने लगता है बाल्यावस्था में। अगर वो किसी की मतलब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो शो करेगा मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ इससे। ठीक है, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन, तो बाल्यावस्था में शो करने लगते हैं। घृणा मतलब घृणा किसी चीज़ से करने लगते हैं या फिर किसी अपने दोस्त से ही करने लगते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, इस प्रकार से करते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों में। वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होते हैं कि नहीं मुझे अपने दोस्त से आगे निकलना है पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बाल्यावस्था में प्रकट होने लगती है। आगे देखेंगे हम क्या है, माता पिता द्वारा बताए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है। क्या करता है बच्चा, अगर माता पिता ने बताया है उसको कोई काम, ठीक है, तो वो क्या करता है, हाँ या ना यह कहकर क्या करता है, अपने आप को चुप कर लेता है। लेकिन बाद में वो झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जब बाल्यावस्था का अंतिम चरण आता है तो अपने संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीख लेता है। मतलब नियंत्रण हो जाता है, मतलब गुस्से पे नियंत्रण, प्रेम पे नियंत्रण, घृणा पे नियंत्रण, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इमोशंस के, उन पे वो क्या करता है, नियंत्रण पाने लगता है बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में। अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। मतलब उस टाइम पे किशोरावस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े ये सोचते हैं कि नहीं इन्हें अनुशासित जीवन जीना चाहिए। जो अपने मम्मी पापा होते हैं उनकी अपने से क्या होती है, आशा होती है कि नहीं इन्हें अनुशासित जीवन जीना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक इसके विपरीत होता है। क्यों ऐसा होता है, हम उन्हें ना तो बालक की कोटि में रखते हैं और ना बड़ों की कोटि में रखते हैं। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है, ना तो उनको हम बालक की कोटि में मतलब बालक की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं और ना ही बड़ों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसलिए किशोरावस्था को क्या कहा गया है, कठिन काल। इसके पहले हम डिस्कस किए थे कि कठिन काल किस अवस्था को कहा गया है, तो किशोरावस्था को ही कहा गया। और रीज़न क्या है, यही है कि उन्हें ना तो हम बालकों की कोटि में रखते हैं और ना ही बड़ों की कोटि में रख पाते हैं, इसलिए किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है बीटीसी के पेपर में, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है किशोरावस्था में। किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। क्या है, जो प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग जो है वो स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं किशोरावस्था में। वह इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते, लेकिन क्या होता है, मतलब स्थायी रूप से तो धारण कर लेते हैं लेकिन उनका नियंत्रण नहीं होता है इन संवेगों पे, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम देखे हैं मतलब किशोरावस्था में बच्चे अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं पाते। अगर बहुत मतलब कोई उनके काम का विरोध कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि वो अपने संवेग पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अतः समानतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन किशोरावस्था में ये भी देखा गया है कि मतलब उनके सामने जिस प्रकार की सिचुएशन आती है, जैसे अगर कोई रोड पे जा रहा भिखारी तो उसके प्रति उनके अंदर दया की भावना आती है, और अगर कोई अन्यायी व्यक्ति है तो उनके प्रति वो क्या, क्रोध की भावना दिखाते हैं अपनी। ठीक, फिर उसके बाद दिया है कि किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की
उनके संवेगों पर छाप होती है, तो उनकी जो शारीरिक शक्ति होती है, कोई ताकतवर होता है और कोई दुबला पतला होता है, मतलब कमज़ोर होता है। यहाँ उस मतलब वो वाली बात हो रही कि शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगर बच्चा स्वस्थ है तो अपने आप को थोड़ा बहुत मतलब संभाल सकता है संवेगों को लेकर, लेकिन बच्चा अगर अस्वस्थ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, किसी भी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा होना, इस टाइप के हम देखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो शारीरिक शक्ति है उनके संवेगों पर छाप होती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि किशोर किशोरी अनेकों बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। हम देखें कि किशोरावस्था में बालक क्या अपने कैरियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि अपनी आकृति मतलब अपने बॉडी शेप को लेके वो चिंतित रहते हैं। ठीक, स्वास्थ्य अपने हेल्थ को लेके चिंतित रहते हैं। सम्मान, उन्हें समाज में किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है इसको लेकर चिंतित रहते हैं। धन प्राप्ति किस प्रकार से किया जाए, किशोरावस्था में इसकी ज़्यादा टेंशन रहती है कि धन प्राप्ति किस प्रकार से किया जाए। शैक्षिक प्रगति, शिक्षा में किस प्रकार से विकास किया जाए। सामाजिक सफलता, ये सारी चीज़ों को लेकर क्या होते हैं किशोर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किशोर ना तो बालक समझा जाता है ना प्रौढ़। देखिए, ये जो हम पिछले मतलब पीछे देख पाए हैं कि वो बालक मतलब किशोर को हम ना तो बालक बोल सकते हैं और ना ही प्रौढ़ बोल सकते हैं। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। किशोरावस्था में बालकों को क्या होता है, संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। वो अपने आप को मतलब संवेग को लेकर वो अपने आप को वातावरण में अनुकूलित नहीं कर पाता है जल्दी से। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ठीक, और अगर वो सफल रहता है तो उसे निराशा नहीं होगी। अब जैसे देखिए, आप कोई बच्चा है प्रेम प्रसंग में पड़ा है और वो अगर अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और कुछ मतलब हो जाता है, दो लोग अलग हो जाते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो संवेगात्मक जीवन है वो वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं किशोरावस्था में बालक को, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और अगर इस प्रयास में वो अगर सफल रहते तो उन्हें निराशा आती है, ठीक है, मतलब असफल रहते तो उन्हें क्या होता है, निराशा आती है। और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, कभी कभी घर में घर से भाग जाते हैं या फिर आत्महत्या तक कर लेते हैं। किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, असाधारण रूप से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है बालकों में भी और बालिकाओं में भी। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अब यहाँ क्या, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति मतलब सेक्स डिजायर, मतलब सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा डेवलप होती है बालकों में भी और बालिकाओं में भी। इसका क्या होता है, इतनी तीव्र होती है कि इनका जो संवेगात्मक व्यवहार होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये चीज़। ओके, तो किशोरावस्था हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है इतना ज़्यादा विचित्र होता है कि किशोर किशोरी क्या करते हैं, एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं। मतलब कोई अगर परिस्थिति है तो उसमें कोई बालक क्या करेगा, हंसेगा मतलब खुश रहेगा, और कोई बालक उसी परिस्थिति में दुखी रहेगा। तो इस प्रकार से किशोरावस्था में होता है, जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें क्या करती है, खिन्न कर देती है। ठीक, ओके, आगे हम देखते हैं
पुनरावृत्ति बिंदु, मतलब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। ठीक, ये हम देखे शैशवावस्था में कि जन्म के बाद क्या होता है, बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, उनकी आयु बढ़ती है, वो स्पष्ट होने लगती है। संवेग के मुख्य तीन प्रकार है, क्रोध, भय, प्रेम। कौन कौन से? क्रोध, भय, प्रेम। ओके, अब बोध प्रश्न में देखिए क्या क्वेश्चन। संवेगात्मक विकास के लिए विद्यालय का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग पक्का करना, क्योंकि ये पूछ सकता है BTC के पेपर में कि संवेगात्मक विकास के लिए विद्यालय का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए। तो विद्यालय का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, मतलब एक आइडियल विद्यालय होना चाहिए। तो उसके बाद है संवेग के तीन प्रकार बताइए। तो संवेग के तीन प्रकार कौन कौन से है? भय है, क्रोध है, प्रेम है। तो ओके दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है अच्छे तरह से समझ गया होगा, और संवेग का अर्थ क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए हूँ। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट बना के रखिए, बहुत काम आएंगे आप लोगों के। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।